इस क्लास में मैं आप लोगों को डीसी मशीन के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। सो द जनरेटर इज जनरली कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर इनटू ए इलेक्ट्रिकल पावर एंड मोटर बेसिकली कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल और शाफ्ट पावर। सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जनरेटर है जो इनपुट में मैकेनिकल पावर है जो कि हम लोग शाफ्ट पे देते हैं उसके प्राइम मूवर के थ्रू देते हैं और आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। तो जनरेटर बेसिकली कन्वर्ट मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर। दूसरा मोटर का कंसेप्ट है, तो मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट करते हैं और शाफ्ट पे हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मिलता है, ये आउटपुट पावर मिलता है मैकेनिकल पावर। सो डीसी मशीन, डीसी जनरेटर और मोटर दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। हम एक ही मशीन को एज ए मोटर भी यूज कर सकते हैं और एज ए जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर को प्राइम मूवर से रोटेट करा देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल पावर दे देगा, और डीसी मोटर में यदि उसके आर्मेचर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे देंगे तो वो हमको मैकेनिकल पावर शाफ्ट पे दे देगा। सेम मशीन को एज ए हम जनरेटर भी यूज कर सकते हैं, एज ए मोटर भी यूज कर सकते हैं। डीसी मशीन को एक्साइटेशन के आधार पर बेसिकली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और सेल्फ एक्साइटेड दो तरह का होता है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन शंट सीरीज कंपाउंड तीन तरह का होता है। कंपाउंड भी दो तरह की होती है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। फिर लॉन्ग शंट कंपाउंड कुमुलेटिव और डिफरेंशियल, शॉर्ट शंट कंपाउंड मशीन भी कुमुलेटिव और डिफरेंशियल दो तरह का होता है। तो यहाँ पे कुमुलेटिव वर्ड का यूज किया गया है। कुमुलेटिव का सेंस यहाँ पे ये है कि कंपाउंड मशीन में शंट शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों वाइंडिंग होंगे, तो शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स होगा और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स होगा यदि दोनों एडिटिव नेचर का है तो उसे कुमुलेटिव कहेंगे, यदि दोनों सब्सट्रैक्टिव नेचर का मतलब अपोज दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है तो उस केस में डिफरेंशियल कहेंगे। कंपाउंड मशीन कुमुलेटिव और डिफरेंशियल दो तरह की होते हैं। प्रत्येक लॉन्ग शंट कंपाउंड और शॉर्ट शंट कंपाउंड दोनों कुमुलेटिव और डिफरेंशियल तरह के हो सकते हैं। आगे हम आपको प्रत्येक मशीन का सर्किट डायग्राम और उसके उसके आर्मेचर इक्वेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीसी शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम। ये डीसी शंट जनरेटर का सर्किट डायग्राम है, इसमें आरएसएस शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, आरए आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ईए जनरेटर ईएमएफ है, ISH शंट फील्ड करंट है, IA आर्मेचर करंट है, IL लोड करंट है, VT टर्मिनल वोल्टेज। तो डीसी शंट जनरेटर और ये है डीसी शंट मोटर। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये IA बराबर IL प्लस ISH है और EA माइनस IARA बराबर VT। डीसी शंट मोटर के केस में आज पर सर्किट डायग्राम से हम लोग देख रहे हैं IA बराबर IL माइनस ISH, जो भी लोड करंट आया वो दो भाग में बट गया, एक फील्ड करंट शंट फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग में करंट गया और एक आर्मेचर में गया। तो यहाँ पे IA बराबर IL माइनस ISH और EB प्लस IARA बराबर VT। उसी तरह हम लोग नाउ वी आर गोइंग टू सी द आर्मेचर सर्किट ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर।
यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सीरीज वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में है, और यहाँ पे आर्मेचर करंट और लोड करंट दोनों बराबर हो जाएगा इस केस में, और हम लोग इसका आर्मेचर इक्वेशन लिखेंगे ईए माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर ए सी बराबर बी टी। मोटर के केस में सिमिलर है, आई ए बराबर आई एल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है तो बी टी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए आर ए सी बराबर ई बी। यहाँ पे ई बी बैक ई एम एफ है, और जनरेटर के केस में ये यहाँ पे जनरेटर ई एम एफ, दोनों हमेशा ध्यान में रखिए, मोटर के केस में बैक ई एम एफ और जनरेटर के केस में जनरेटर ई एम एफ। यहाँ पे आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस है, आर एस सी सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। कंपाउंड, कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि सीरीज फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों है। ये शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आर एस सी, यहाँ पे आर एस सी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों दोनों फील्ड का इफेक्ट होगा। यदि हम इस केस में देखें तो आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल होगा, और ए माइनस आई ए आर ए माइनस आई एल आर एस सी बराबर वी टी। यहाँ पे देखें आई एल बराबर आई ए प्लस आई एस एच, तो वी टी माइनस आई एल आर एस ई माइनस आई ए आर ए बराबर ई बी। तो अभी हम लोग डीसी मशीन के टाइप्स और उसके आर्मेचर सर्किट को देखे हैं। इसमें मैं समझता हूं कहीं किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।